ಸೇರಿರೋದು ಎಲ್ಲರೂ ನಂಟಂದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗೆಲ್ಸೋದು ಅವಕಾಶ ಪಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಇರೋದು हमें डरपोक आना है, हर बात का जवाब है, हर चीज का जवाब है। हमारे बुजुर्ग हमारा ही कमांडा जितने भी बैठे मेरा ही कमांडा इन्होंने मुझे बुलाकर कर बोलती अजूबे तुम्हें सफर करो अच्छा काम कर रही अल्लाह इसका फल देता मेरा मालिक देखो तुम्हारा कम लेकर को बात करो मेरा मालिक वो सफर का फल तुम्हारे दिल में मोहब्बत किसे भी मैं क्या भी कर पाऊ नहीं सबीर भाई हजरत जितना भी गंगोगी मैं भी तुम्हारे बताई हूँ तो कौन बैनर बनाए कौन ये करे हमारे अंजत भी मेरे ऊपर छोड़ा लोग हमारे पंडाल क्या दिल से नौजवान हमारे रिजवान हमारे बादशाह ऐसा उनके पूरे दौर का मोइन पूरे मुझे मालूम भी नहीं मैं कौन से रोड में जाऊँ वो बैनर देखो कहाँ की देखे तुम पैर मई को तो मई को मंजे कौन को नहीं की ऐसे चीजा ये सब चीजा सबको नहीं मिलते मैं सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ तुम्हारा बहुत ओपी है हालात हमारे नाजुक पे ये जिन्हें अपना बोल को मार रही जरे जिन्हें क्या रखो जोड़ में रखो मार बोल को मार रही ना उनसे हिफाजत करे जाए क्यों तो मालूम हमारा दुश्मनी में हम इन्हें मारता कर को बोलो यहाँ क्या हो गया देखो हालत अब तुम्हारे सामने बात करने की वजह क्या देखो मैं भी हज पैदा हुआ आज 50 साल उम्र मेरी याद बड़ा हो गो है कि अवाम क्या चाहती है कि अवाम को क्या जरूरत होना ये लोगों के जोड़ में रखो मानो आज हम ना भाई को बच्ची की शादी बाबा बहुत फिक्र से अम्मा संगे में पीछे लेको जमा को शादी कर लाती शादी करते मन 8 महीने को कि 7 महीने को 17 साल रखो बुला लेगा शादी बहुत मुश्किल से कर पड़ती शादी करे बस नेक्स्ट तैयारी क्या करके बोले तो भाड़ेगा शादी मार बैरंग के मोहल्ले में जाके देखा तो हर मोहल्ले में एक तो अच्छा शादी मार बेहतर करोड़ों रुपया की शादी मार हम लोग भी आती महिला की डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से करोड़ों रुपए शादी मार पड़ जाता है तुम्हें नसीब ना क्षेत्र में बेहतरीन एक शादी मार अर्थात की सरकार की कौन सा ये किसे कहते हो गवर्नमेंट से मुसलमान गरीबान को गरीबों को दिखा नहीं है ये बनाने की जिम्मेदारी किसकी शादी माल गरीब ऑटो ड्राइवर के पूरी करने वाले 50 हजार देखो शादी माल लेना बस 9 महीने के बाद 1 लाख देखो डिलीवरी कराना या संगा फिटको ने लेता शादी का डिलीवरी बॉय के बच्चे ये सब गवर्नमेंट की स्कीम आई ये सब हमारे तक आना गवर्नमेंट की स्कीम हमारे तक लाख देने वाले को MLA के 300 MLA कारपेटर बहुत बड़ा आदमी रहे एक पोस्टमैन बेंगलुरु में खतरा ले तो हमारे घर को लागू करता ना वो काम गवर्नमेंट से जो सहूलत मिलती है वो ले ले करो आवाम तक पहुंचाना तो क्या कहीं बीच नहीं है इलेक्शन टू इलेक्शन कड़ा में बोलती इन वर्दन मारो सिद्धार्थ मानो नीनो वर्दन मारो नानो अक्कल मारती नहीं तू मारे तू नाटक कर मैं रोज तू नाटक कर तो ये नाटक सबको समझ में आता है कि मैसूर की आवाम एनआर क्षेत्र की आवाम खुशहाल होगी है मालूम हो गया हिसाब नहीं नोड़दन मारो ये बंडारी वाले मालूम मदद को कहने की बात है नहीं नोड़दन मारो ना नतन मारती है नाटक न को कौन भी किसे भी नहीं पूरा का रखवाला अल्लाह
नहीं करते करते नहीं बोलो ना हमें पूर्ण तरह से बैठ को नहीं अल्लाह किससे तुम्हें काम ले लेता अल्लाह किसका भी मजबूर नहीं है सब कुछ करने की जात इज्जत देने की जात जिल्लत देने की जात अल्लाह की हमें अल्लाह को ईमान है तो कौन से हाई कमांड को नहीं हमारा हाई कमांड हमारा अल्लाह रोना मुझे भी रोना था मैं एमएलए बनने पर रो नहीं रोता नाटक नहीं आता मुझे तुम्हें वोट नहीं डाले तो परवाह नहीं काम करती वोट डालोगे डालना नहीं डालना तुम ना जमे तो रोना धोना सब नहीं है कि अवाम बहुत वक्त ले लिया तुम्हारा है कि अवाम जो मोहब्बत अजू ब्रदर्स को दी गई है जो अवाम हमारे पास आते उनका दुख बोल रहे हैं अल्लाह ताला छोटी मोटी मदद करने की जो दौलत देखो है ये अल्लाह तुम्हारे लोगों की दुआ से ये मिल को है आइंदा आने वाले हालात सियासी हालात अल्लाह चाहा तो मैं एमएलए भी बन दू मिनिस्टर भी बन दू अल्लाह नहीं चाहा तो एमएलए इलेक्शन तक मैं नहीं रहता क्या गारंटी नहीं क्या गारंटी हमें आपको ही सोया एग्जाम देने के वास्ते कब जाना मालूम नहीं जाने से पहले कड़ा में और एक बात बोलती समाज नमगे कोटू मुख्य अल्लाह समाज नावे कोटू अन्न मुख्य इंसान आया चलेगा जाते जाते आज अल्लाह के ऐसे बंदे गुजर गई उन्होंने 100 साल हो गए गुजर को आज भी उनका नाम दुनिया में जिंदा है जरे जने भला पाप में भाग दी जरे जने गुजरे तो क्या बोलती अच्छा बाबा भला पाप कही गई हमें याददाश्त एक काम कल को ऐसा जाना कि हमारे बाद भी अवाम भी याद करना दुआ भी करना अल्लाह राजी हुआ वही समझ तो तुम्हारी सब दुआ से हमें जितने भी काम करी अल्लाह राजी होने के वास्ते करी अल्लाह राजी हुआ है नहीं हुआ है मैं जाने के बाद मालूम होता मेरे काम से हमें कोशिश करने में क्या है अच्छे लोग हमारे साथ थे अल्लाह चाहा तो एमएलए बनाता है अल्लाह नहीं चाहा तो बनाता है मैं घर में बैठ जाता हूँ रोने को बैठ जाता हूँ एमएलए में बीमार नहीं बना रहता अल्लाह ये सब कहते हुए आइंदा दिन में सबको रमजान की मुबारकबाद देते हुए तुम्हें सब समझदार रखना तब भी अकेला को भी अज्जू अज्जू ब्रदर क्या भी तुम्हारे लायक खिदमत रही तो हमें क्या नहीं बने तो भी तुम्हारे साथ रहती हमारा सेवा सबका मौत कर भी खिदमत करती तुम्हें भी अपना दुआ में याद रखो आइंदा बहुत कुछ तुम्हारे से बात करने का था जब भी बोलते थे वो भूख हो जा रहा है वो मजदूरात भूखती घर में पकाना सल उगादि की ईद अलग हमारे हिंदू भाई की उगादि की ईद एडवांस ले उगादि अपदा रमजान अपदा शुभाशयगळु ई उगादि नम बाळ ओळ्ळे ಹೊಸಾ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಲಿ ಕೈತೇವೆ ಜ್ಯೋತಿ ಚೌಕ್ಲೆ ಕ್ಯಾ ಫೈಸಲಾ ಲೆನಾ ತುಭಿ ಹಮಾರೆ ಬುಜುರ್ಗ ಬೋಲೆ ಸಬ್ಸೆ ಜ್ಯಾದಾ ಕೌಮ್ ಕಾ ದರ್ ಕೌಮ್ ಕಿ ಫಿಕರ್ ಸೋಯ್ ತುಭಿ ಹಮನಾ ನೀಂದ್ ಮೇ ಭೀ ಗಾಂಗಿ ಕೌಮ್ ಕಿ ಕೌಮ್ ಕಾ ಆದ್ಮಿ ದರ್ದನೆ ಆಯೇಗಾ ತೋ ಉಸ್ಕೋ ಆನೆ ಕಿ ಆದತ್ ಸಮ್ನಾ ಕೌಮ್ ನಾರಾಜ್ ಹೋನಾ ಕೌಮ್ ಕೋ ದುಃಖ ಹೋನಾ ಮೇರೆ ಫೈಸಲೆ ಸೆ ಕೌಮ್ ಕಾ ನುಕ್ಸಾನ್ ಹೋನೆಗಾ ಥಾ ಮೈ ಹಮಾರೆ ಬುಜುರ್ಗ ಕೆ ये दवा रखते हो गुरु तब भी कौन को जरूरत पड़ते है जान माल वर्क जान की बाजी लगा तो हमारी कुर्बानी देने के वास्ते भी हमें रेडी मैं एमएलए बनने के वास्ते पैदा हो नहीं हमारे बाबा एक गरीब टैक्सी ड्राइवर अल्लाह जो इज्जत दिया है वो बहुत बड़ी दौलत मेरी वो संभालने की कोशिश करेंगे मेरे नसीब में लिख रहा तो फोन भी चुकाने होता नहीं मैं कौन सी पार्टी को भी तुम्हें मुझे टिकट चोर को अर्जी डाले नहीं डाल सकता था कौन सी पार्टी को अर्जी डाल सकता था की डाले नहीं तो मैं अल्लाह के लिए अर्जी डाली हूँ जो अल्लाह के लिए अर्जी डालता है ये पार्टियां के हाई कमांड के दिल्ली जाकर क्या को ट्रांसलेट नहीं करता अल्लाह मेरे नसीब में लिखो रहा तो इंडिपेंडेंट कर दो तो कौन सी की सियासी पार्टी कर दो आइंदा आने वाले दिन में ऐसे बुजुर्ग से मशवरा कर दो एक बेहतरीन फैसला अज्जू ब्रदर्स देखो तुम सब सुना के तुम्हें हर बार मैं हमारे हिंदू भाई से बोलता हूँ उनका ईद है ईद के टाइम को हमारे वास्ते भी दुआ करो मैं हमारे दीनदार भाई से बोलता हूँ मान जा अच्छी अल्लाह सेहत दे को तुम्हारी खिदमत करने के वास्ते अल्लाह सेहत दे दे को पूरे तुम्हें तुम्हारा बच्चा तुम्हारा भी तुम्हारा एक दोस्त समझ को दुआ में याद रखो तुम्हारा सब कीमती वक्त मेरे वास्ते ले कोई मालूम मुझे ये और एक बार बोलता मैं हमारे साबिर भी का हमारे फादर का खालक साहब का हालत साहब का हमारे स्वामी जी का कलीम साहब का जफर साहब का पूरे आगामी हमारे
एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ मई, तुम्हारे जो दिल में मोहब्बत करी हो मई समझ तो आज है मई एक चीफ मिनिस्टर बन गई उम्र को बहुत अच्छे लोग बैठ गई है कौन है एमएलए नहीं इतने जिला में जो मोहब्बत से तुम्हें आग हुई मुझे मालूम मैं भी समझ सकता हूँ मुझे भी एहसास है आइंदा इनके ऊपर क्या बात आती वो भी मालूम खाली माँ कोई हमारा एक दीनदार भी क्या किया कर रहा उसे हिम्मत देना रुका कोई मंजे मालूम नहीं मेरी जोर अंदर जाकर किसे वोट डालते कर को मंजे मालूम नहीं मेरा वोट ठीक मालूम मैं किसे डाले ऊपर को वोट का मसला है शायद सो बहुत जने आने वाले थे ये प्रोग्राम करना मेरे को बोले तब से हमारे ऊपर हमारे चौकीदार के ऊपर है क्या क्या बात है क्या क्या है फिर भी हमें क्या सोच लेती है तो गुस्सा याद करो सफर करने वाले साथ अल्लाह है अल्लाह हमारे साथ है दूसरे कौन की नहीं तो परवाह नहीं अच्छे लोग हमारे साथ ही आईना आने वाले दिनों में क्या फैसला लेना तो भी हमें सब बैठ को मशवरा करो अच्छा फैसला लेंगे हमारा नरसिंहराज क्षेत्र डेवलप होना गरीबों का जो गवर्नमेंट की स्कीम है तुम्हारे घर तक लागू देना इलेक्शन टू इलेक्शन नहीं आना सुख में दुख में तकलीफ में अच्छे टाइम को बुरे टाइम को आना मौका को भी आना शादी को भी आना खाली इलेक्शन में शादियों में तो जाना नहीं इलेक्शन हो गया बाद भी शादियों में जाना इलेक्शन में मौका हुए तो जाना नहीं इलेक्शन के बाद भी मर गया तो भी जाना नहीं बुलाए तो भी जाना की कहो हमें तुम्हारे करने आपको बहुत अच्छे आदमी है मैं तुम्हारा वोट दियो हमें जीत डाले तो तुम ना क्या की करते हैं वो तुम्हारे घर आने आपको पूछती सो मैं हमारा तकलीफ हुआ इस टेम्पो भी हमारे बच्चे रोड पर बैठे इस टेम्पो भी कहाँ की हमारा नौजवान मर गए इस टेम्पो भी कहाँ की हमारा ऑटो ड्राइवर तकलीफ में है इस टेम्पो भी आपको पूछना तब हमें बुलाना नहीं वोट तो कैसे आपको पूछती गली गली घर घर कड़ा में बोलती मतदान आ गो वोट जो डालती भीख वो भिखारी भीख ले लिया बाद हमारा हक अदा करना नहीं अदा करे आपको चेंज करना अब हमें क्या करती हल्दी दुकान को बेच लो डिपो के चावल भी लेती बिंडी चावल भी लेती डिपो के चावल नकोट को लेते नहीं बिंडी चावल लेती कि तो अच्छा खाना खाना हो अच्छा लीडर भी चुनना हमें वोट डालने पहले सोचना पांच साल काम कर देंगे हमारा इन इनको वोट दिए तो फिर पांच साल हमें भाई काम हुआ नहीं वो हुआ नहीं ये हुआ नहीं करती इलेक्शन के टाइम वो फुल को और हमें वोट जल्दी करके पांच साल हमें बचता थी ये बार ऐसा करने का ना तो इंशाल्लाह दुआ करो मेरी फिक्र क्या करो मैं पार्टी को ढूंढने जाने का वो टिकट दो मेरा हाई कमांड तुम्हें तू ना होना तो दुआ करो पार्टी को अर्थी जाना नहीं तुम्हारे दिल में अर्थी जाना पार्टी वाले मंजे बोल रही तुम्हें धरती कर दो हमें टिकट देती है हमें टिकट देती कर दो वो की बोल रही बोला क्या को नहीं मैं कहीं ना उनको नहीं तुम्हें धरती कर दो तुम ना सभा टिकट क्लियर तुम्हें धरती कर दो फलानी पार्टी से टिकट की बोल रही बोला तुम्हें मेरे साथ नहीं कर दो तुम्हें मेरे साथ नहीं देते तो पार्टी वाले मुझे टिकट देते देते नहीं थे मई चॉइस कर लेना तो मई कौन सी पार्टी से करना तुम्हें कौन सी पार्टी पसंद करती है को अल्लाह है अच्छा फैसला लेंगे नरसिंहराज क्षेत्र को मेरे छुआ क्यों ये खाब है हर आदमी यहाँ सुकून से रहना हिंदू हो मुसलमान हो क्रिश्चियन हो जब यहाँ बैठी फादर बैठी क्रिश्चियन माँ बैठी हिंदू हमें मुसलमान ये हमारा हिंदुस्तान ये हमारा नरसिंहराज क्षेत्र ऐसा रहना समय हमारी सियासत के वास्ते हमारी सियासत के वास्ते हमें एमएलए बनाने आपस में लड़ा ले को दुश्मनियां बढ़ा ले को हमारे नौजवान को कुर्बानी कर लगे सब चीजा नहीं हमें बहुत इत्मीनान से सब मिल को ही जब कहते जब मैं गहरा में आ कोई हमारे पास कोई कहता हूँ कि दिल में जो मोहब्बत है वो कहते हुए वो तो किया जाए तुम्हारा सबका अज्जू ब्रदर्स की जानिब से पूरों का भी इतने भी हमारे मेहमान आई हमारे माँ बना कोई सबका शुक्रिया अदा कर दो ये तुम्हारा वक्त जाया होने देता नहीं मैं बनो न तो बनो जो तुम्हें जमको ही तुम्हारा नाच और तुम्हारी कोशिश जो है उसे कभी नाराजगी होने देता नहीं मैं नहीं कभी तुम्हारे साथ एक एमएलए क्या काम करना उसका काम करने का जज्बा और हिम्मत और ताकत मुझे है आइंदा भी तुम्हारे साथ वो काम करने का इंशाल्लाह कोशिश कर ले को रतो तुम्हें सब दुआ करो इंशाल्लाह हमें सब मिलको एक होको
हमारे क्षेत्र में जितने भी गरीब भाई उनका काम करेंगे लेते हुए, और एक बार एल्लारा अब्दुल सुभाष एल्लारिगू धन्यवाद ಧೈರ್ಯ ಕೊಡಂತ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ತುಂಬಾ ತಡ ಆಗಿದೆ, ನಾಳೆ ಹಬ್ಬದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸ್ವಾಮಿ.